पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, आपकी यूनिवर्सिटीज ने ये परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि आप पायलट बन जाएंगे एविएशन मैनेजमेंट करके। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी मिस कम्युनिकेशन जस्ट टू एनरोल दो स्टूडेंट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एविएशन मैनेजमेंट, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एविएशन मैनेजमेंट का कल्चर पाकिस्तान की एयरलाइंस के अंदर अभी नहीं बना हुआ। एक 14-15 लाख की डिग्री करके आपको अच्छा लगेगा 20-30 हज़ार की नौकरी करना? अगर आपको 20-30 हज़ार की नौकरी चाहिए, यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एविएशन मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई मीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एंड आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द हॉट टॉपिक जिसकी मुझे हर रोज़ कुछ 3 से 4 इंक्वायरीज आती हैं। एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, सर एविएशन मैनेजमेंट आप करवाते हैं? इसका सबसे पहला आंसर है नहीं करवाते हैं। दूसरा आंसर, सर एविएशन मैनेजमेंट का स्कोप कितना है? मैं आज आपसे एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन टेक्निकली है अबाउट एविएशन मैनेजमेंट, क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं आपको कभी रिकमेंड करूँगा ही नहीं एविएशन मैनेजमेंट की। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में एविएशन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को उस तरह की रिकग्निशन मिलती नहीं है। एविएशन मैनेजमेंट का कल्चर पाकिस्तान की एयरलाइंस के अंदर अभी नहीं बना हुआ। एक अच्छी खासी डिग्री जो कि बाहर के मुल्क में इतनी फ्रूटफुल है, और वो फ्रूटफुल वहाँ पे क्यों है? देखिए, बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है ना, वो टेक्निकली एविएशन मैनेजमेंट से लोगों की स्किल्स को इन्हांस करके उस एयरलाइन को बेनिफिट कैसे देना है वो जानती है। यहाँ पे हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एविएशन मैनेजमेंट करवा के आपको टिकटिंग में लगवा देते हैं, या फिर आपको लोड कंट्रोल इस तरह की उस सेक्शन पर लगवा देते हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है, या नॉर्मल बीए एफए करके भी अंदर बैठे हुए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि उनकी सैलरी जो होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली 20-30 हज़ार या 40 हज़ार की हो जाएगी। वैसे जितना मैंने जेनेरिक देखा है, आई हैव गॉट 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, इस तरह टारगेट हो जाएगा डायरेक्ट। देर ओनली गेटिंग पेड 25,000 आफ्टर वर्किंग फॉर 7 ईयर्स इन द एयरलाइन इंडस्ट्री, एंड दे उनकी जेनेरिक क्या क्वालिफिकेशन थी? उन्होंने बेसिक एफए और एफएससी करके इंटर करके अपनी रिक्रूटमेंट करवाई थी। अब मुझे एक बात बताएं, एफएससी करके जिसमें आपका इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, वेयर एज बैचलर्स डिग्री 14-15 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। एक 14-15 लाख की डिग्री करके आपको अच्छा लगेगा 20-30 हज़ार की नौकरी करना? आई एम श्योर नहीं लगेगा। आपने एक इतनी फ्रूटफुल डिग्री की है और उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलना है, और इसके अंदर ग्रोथ भी नहीं है और ना ही कल्चर है। एविएशन मैनेजमेंट का कल्चर क्या है? हमारे पाकिस्तान को यही नहीं पता कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग क्या होती है। मैंने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि एमिरेट्स एयरलाइंस का जहाज़ जो क्रैश हुआ था बैक इन 2016 और 2017, जब भी आप अपनी स्लाइड्स पर देख रहे होंगे, आपको पता है उन्होंने इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कैसे एक्टिव करवाया था? एंड हु डिड दैट? एविएशन मैनेजमेंट गाइस। ये मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज थिंग पाकिस्तान में एविएशन मैनेजमेंट। अभी स्टूडेंट जो मेरे साथ रिकमेंड कर रही थी कि सर मैं, मेरा ये मसला है, आप मुझे ट्रेनिंग देंगे, पहली चीज़ एविएशन मैनेजमेंट करके एयरलाइन ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर आपको एयरलाइन ट्रेनिंग्स ही नहीं मिल रही हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि एविएशन मैनेजमेंट के अंदर हो क्या रहा है? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि आप पायलट बन जाएंगे एविएशन मैनेजमेंट करके। अभी इस इंटरव्यू से पहले एक स्टूडेंट आया हुआ था मेरे पास, कहता है सर मैं एविएशन मैनेजमेंट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें मुझे 4 साल बाद पायलट भी लाइसेंस मिल जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटीज़ ने ये परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि आप पायलट बन जाएंगे एविएशन मैनेजमेंट करके, एंड आप फिर आप किसी और सेक्शन में काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक सेपरेट कोर्स है, उसको एविएशन मैनेजमेंट से मत कंफ्यूज करें। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों का फ्यूचर तबाह करने की कसम खाई हुई है। यहाँ पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन, इतनी मिस कम्युनिकेशन जस्ट टू एनरोल दो स्टूडेंट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, एंड आई एम सो सॉरी एविएशन मैनेजमेंट का जितना स्टूडेंट है, आई फील बैड फॉर देम जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, एंड दैट इज़ कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। हाँ, कर लिया, बाहर चले जाए, बाहर आपको फिर भी इज्जत मिल जाएगी, मगर कैसे इज्जत मिलेगी? सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट होल्डर है आप लोग, पाकिस्तान का सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट है, कहाँ भी इज्जत मिलेगी? एक बच्चा इंडिया से एविएशन मैनेजमेंट करके बाहर जाएगा यूरोप वाले सेक्शन पे, जिसको लोग रिकग्नाइज करेंगे। आपको पता है अक्सर काज मुल्कों को तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान एग्जिस्ट कहाँ करता है, फिर हमें बताना पड़ता है कि नेक्स्ट टू इंडिया। ये तो हमारी वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ क्यों क्रिएट की गई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज, क्या बताऊँ मैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के ओनर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ के लोग
जो एविएशन मैनेजमेंट के नाम पे बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। अब एक और बात सुने, एयरपोर्ट पे काम करना है, मज़े की चीज़, आप एविएशन मैनेजमेंट करके सिर्फ एविएशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जॉब मिली नहीं मिली बस ख़त्म कहानी। आप नॉर्मल मैनेजमेंट कर लें, BBA कर लें, MBA कर लें, उसके ऑन द टॉप कोर्सेज कर लें, लाइसेंस ले लें, एविएशन के अंदर आ जाएं। वाई डी बिकेज देखिए, मैंने आपको भी बताया एविएशन मैनेजमेंट का कल्चर है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। मैनेजमेंट क्या करनी होती है, कैसे एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट की फ्लीट बढ़ानी है, कैसे एयरक्राफ्ट से आपको फ्यूलेज उतना कॉस्ट रखना है, फ्यूल की उतनी तब कब खरीदना है, कब उसको मार्केट में यूज़ करना है और कैसे यूटिलाइज करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, फ्लीट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का क्या प्रोसेस होगा, पैसेंजर हैंडलिंग के बाद पैसेंजर इंक्रीमेंट कैसे कराना है, लोड फैक्टर इंक्रीज कैसे कराना है, देर आर मल्टीपल थिंग्स। आपका मैंने अभी बताया इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बता रहा हूँ देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि एविएशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मेरे पास 50 को इंटरव्यूज़ मैंने अभी रिसेंटली किए हैं फॉर एडमिन पोजीशन एंड आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ देम कि आप एविएशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो। बिलीव मी, ओनली 2 स्टूडेंट्स थे जिनको अंग्रेज़ी अच्छी आती थी, मतलब उस मुकाबले की आती थी कि एटलीस्ट मैं सुन पा रहा था। किसी को इंटरव्यू की एक सेकेंड की तैयारी नहीं करवाई किसी ने, उसको यही नहीं पता कि CV बनानी कैसी है। मेरे ख्याल से कोई 25 लोग आए थे विदाउट CV और उनमें से 15 जो थे उसमें CV थी मगर सिर्फ आधे पेज की और उसमें भी एवरीथिंग वाज मतलब ऊपर नीचे हुआ हुआ था। मुझे तो समझ नहीं आती पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या है, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं पिछले एक साल पहले भी चिल्लाया था कि ये हालात हैं स्टूडेंट्स के, तो फॉर गॉड से ये जो एविएशन मैनेजमेंट का IME का प्रॉमिस है कि जब भी एविएशन मैनेजमेंट लॉन्च होगी विद एयरलाइन ट्रेनिंग होगी, विदाउट एयरलाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी, विदाउट मैनेजमेंट एयरलाइन ट्रेनिंग दिस इज़ ऑफ नो यूज़। एंड सेकेंड थिंग, पाकिस्तान का कल्चर नहीं है एविएशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उठाने का, क्योंकि ये आपको लगाएंगे टिकटिंग पे, ये आपको लगाएंगे पैसेंजर हैंडलिंग पे, ये आपको वो जॉब देंगे जो कि FSC वाला भी कर सकता है। तो पता नहीं कितने लोगों ने मेरे से पूछा कि एविएशन मैनेजमेंट का स्कोप है या नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा अच्छे मार्क्स आए हैं खामोशी से लम्स चले जाएँ, LSE चले जाएँ। मेरे इतने दोस्त हैं वहाँ से ग्रेजुएट होकर एटलीस्ट 70-75 हज़ार की जॉब तो कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी एविएशन का बहुत शौक है उसके बाद आप एविएशन के लिए शॉर्ट कोर्सेज हमने जो शुरू करवाए थे वो कर, वो भी तभी हम शुरू करवाएंगे जब एयरलाइन ट्रेनिंग होगी और इसकी खबर हम सून आपको देंगे क्या होने लगा है। तो मेरे से रिकमेंडेशंस पूछ रहे हैं, अगर आपको 20-30 हज़ार की नौकरी चाहिए यू मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एविएशन मैनेजमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ कितनी एयरलाइंस हैं, एयरसियाल, सरीन, एयर ब्लू, PIA, टोटल जहाज़ हमारे पास कितने हैं, 70-75 टू मैक्स, आपको लगता है एक जहाज़ पे 10-15 बंदे चाहिए होंगे, 22 करोड़ की आवाम में हमें कम से कम मोर और लेस 400-500 बंदे चाहिए एविएशन संभालने के लिए, ये हालात है। और खाली एमिरेट्स पता नहीं कितने हज़ार के, दुबई के अंदर ही 12-15 हज़ार उनके रिक्रूटमेंट्स रहते हैं। जस्ट इमेजिन द लेवल, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। आपको मैंने अभी सिर्फ रफ फिगर दिया है, अभी आई वंडर कि किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी एविएशन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे फ्यूचर बच्चों का ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टू ऑल ऑफ देम हु आर एक्सपेक्टिंग कि एविएशन मैनेजमेंट ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।